शिवपुरी पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्यवाही जारी है। थाना करेरा पुलिस द्वारा मादक पदार्थ इसमें एक 4 ग्राम कीमत 40,000 रुपये सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी रघुवंश कुमार सिंह के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा और हथियार, अवैध खनन परिवहन, अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए। थाना करेरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नरेंद्र सिंह गुर्जर अपने खेत पर स्मैक की बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु फोर्स द्वारा मौके पर ग्राम जेरबा में नरेंद्र सिंह गुर्जर के घर पर जाकर दबिश दी गई, तो घेराबंदी कर पकड़ कर उनके नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम नरेंद्र सिंह गुर्जर बताया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 4 ग्राम स्मैक पाउडर कीमत 40,000 रुपए बरामद किया गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, ग्राम टोड़ा से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सर, मामला कल शाम को मुकुंद द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टोड़ा के शली और उसका लड़का सागर दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से शराब लेकर कहीं जाने वाले हैं। तो सूचना पर से दबिश दी गई तो आरोपी बाप बेटा दोनों सागर और सलीम अपनी मोटरसाइकिल पर 2 कैन लादे हुए थे और घर के दरवाजे के सामने खड़े हुए थे, जो कहीं अवैध रूप से खपाने के लिए जाने की तैयारी में थे। उप सूचना पर दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, शराब को जब्त किया गया है और मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। आरोपी विरुद्ध धारा 34 में कार्रवाई की गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।